कोलकाता के बाबू घाट के आउट्रम घाट पर साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है। तीर्थयात्रियों विभिन्न जगहों से आकर मेला प्रांगण के कैंपों में रहने लगे हैं। इसी क्रम में ब्रिज मंडल और समाज सेवी लोग पुण्यार्थियों और साधु संतों को खाना सिंघारा जिलेबी बांटते हुए नजर आए। आइए जानते हैं संस्था से जुड़े लोगों ने क्या कहा। क्या बोलिएगा, ऐसा सेवा काम कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, गंगा सागर मेला चालू हो गया, आप देख रहे हैं बहुत तीर्थयात्री आ गए हैं, बहुत साधु बाबा आ गए हैं, नागू साधा बाबा आ गए हैं, साधी लोग आ गया है और लाइट का व्यवस्था हो गया है, रोटी का गाड़ी लगा हुआ है। हम लोग भी सुबह शाम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं, जलेबी है, समोसा है, सब्जी है, दाल है, चावल है, पूड़ी है, रोटी है और बिल्कुल पूरा अपना जितना समय मैक्सिमम हो सकता है निकाल करके हम लोग अपना ऑफिस से अपना काम से आकर यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। और जब तक मेला समाप्त नहीं हो जाएगा, एक एक तीर्थयात्री यहाँ पे रहेगा, एक एक साधु यहाँ पे रहेगा, तब तक हम लोग, हमारी संस्थाएं, हमारे जो NGO सब लोग हैं, हम लोग मिल करके यहाँ पे काम करेंगे और काम करते रहेंगे जब तक किसी को कोई ज़रूरत होगी, मेडिसिन की, डॉक्टर की, रहने की, कंबल की, कोई व्यवस्था की ज़रूरत होगी तो उसको जो है हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे और पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे, उसके पहले हम लोग नहीं जाएंगे। यही हम लोग का ड्यूटी है और यही हम लोग का टारगेट है, यही हम लोग का दायित्व भी है। और हमारे संतोष भैया, संतोष कुमार सिंह, हरे कृष्णा सेवा संघ से आप 27 नंबर कैंप हरे कृष्णा सेवा संघ, अभी 9 तारीख को हम लोगों का कैंप का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, 17 तक हम लोग चलाएंगे और अभी सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देखने के लिए हम लोग मैदान में रोज आते हैं और सेवा का मौका हम लोगों को साधु संत सभी बाहर से आई जाती देते हैं। आपका शुभारंभ कब होने वाला है? 9 तारीख को हमारे कैंप का शुभारंभ होगा। 27 नंबर कैंप है हरे कृष्ण सेवा संघ। सरकार की तरफ से कैसे सहयोगिता मिल रहा है? सरकार की तरफ से हर किस्म के सहयोग मिलता है, जो भी हम लोगों की मांग होती है, जो भी समस्या होती है, जो भी सुधार करने की बात आती है दिमाग में, वो सरकार के समक्ष रखा जाता है और सरकार उसको पूरा करती है। सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था की है साधु संतों से? सिक्योरिटी के लिए जो कैंप में आते रहेंगे उसके लिए साधु संत नहीं, यात्री आते हैं उनकी, वो रहते हैं हमारे कैंप में, जो बाहर से बसों में या ट्रेन में जो यात्री आते हैं, सारे हिंदुस्तान से नहीं, नेपाल से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं,
वो हमारे कैंपों में रुकते हैं, उनके लिए रुकना, उनकी दवाई, उनके लिए नाश्ता, सुबह का खाना, रात का खाना, ये व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मैं 32 साल से यहाँ कैंप लगा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको सेवा करते हुए महाराज लोग? सेवा करने के लिए अवसर मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं, इस साल में एक बार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। आज कितने साधु संतों को अपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया? आज सुबह हम किए थे आपको खिचड़ी और अभी समोसा और जलेबी। जितना दिन कैंप लगता है उतना दिन डेली यही खाना रहता है कि चेंज करते रहते हैं? हम एक तारीख से सेवा दे रहे हैं यहाँ, दाल भात सब्जी की खिचड़ी, किसी दिन रोटी, किसी दिन शाम के टाइम तो जलेबी समोसा, ये सब। आप लोग क्या वहाँ गंगा सागर में भी सेवा देते हैं क्या? नहीं, हम गंगा सागर में नहीं देते, सिर्फ हम यहीं पर देते हैं, और हमारी संस्था है वहाँ पर, वो लोग सेवा। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री एक कथा बोलें जे सब तीर्थ एक बार गंगा सागर बार बार जी सेवा करते हैं। अभी तो माननीय ममता बनर्जी इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बहुत प्रयास कर रही हैं, और हम भी चाह रहे हैं, हमारे सब सहयोगी कैंप वाले चाह रहे हैं, संस्थाएँ, ये मेला राष्ट्रीय घोषित हो जाए। आपका नाम? हमारा नाम राजकुमार उपाध्याय, ब्रजमंडल सेवा से।